गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो मैंने अपने बात कर रहे हैं वो क्या है कि फ्यूरियन की सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है उस पार्ट्स पर अपन डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट पार्ट था उसमें आपने क्या है कि इसकी एडिशन रिएक्शन पर बात की थी, जिसके कुछ पार्ट्स थे, चार पार्ट्स थे, आपने उस पर डिस्कस किया। अपने आज जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर बात करें तो क्या है कि जो अगर अपने फ्यूरिन की बात करें, तो अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इसकी क्या है कि जो इसमें एरोमेटिक करेक्टर होते हैं वो वेरी लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन क्या है कि इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी अधिक होती है तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि आसानी से संपन्न नहीं करते, यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिंपली इनमें नहीं होती है। ठीक है ना, सिंपल कंडीशन में। लेकिन क्या होता है कि जो फ्यूरेन है वो क्या होता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन में, विशेष परिस्थितियों में क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, जिनके अपन क्या है कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्या है कि एसिटिल नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, 2-नाइट्रोफ्यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले अपने बात क्या की है कि जो फ्यूरिन में, सॉरी, एरोमेटिक करेक्टरिस्टिक्स वेरी लेस, बहुत कम। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन यह अधिक क्रियाशील होता है रिएक्टिविटी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो अपने ये बताया। सेकंड बात क्या कर रहे हैं कि जो फ्यूरेन है, फ्यूरेन कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन में कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न करता है। ठीक है ना, यानी कि सामान्य कंडीशन में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या होता है, एसिटिल नाइट्रेट। एसिटिल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर, अभिक्रिया कर 2-नाइट्रोफ्यूरेन बनाता है। ठीक है, वो कैसे होगा, केमिकल रिएक्शन बताते हैं अपन यहां पर। ये अपन ने क्या ली, यहां पर फ्यूरेन ली। ठीक है, फ्यूरेन की किसके साथ, एसिटिल नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो एसिटिल नाइट्रेट CH3CO NO2
ठीक है, ये क्या हो गया, एसिटिल नाइट्रेट इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, 2-नाइट्रोशूरिन। यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पर कौन सा आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप और प्लस एसिटिक एसिड, क्या बन गया ये, 2-नाइट्रोशूरिन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर क्या होता है कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ, प्रीडीन या सल्फाइड के साथ यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनते हैं, फ्यूरोन फ्यूरेन 2-सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है यानी कि SO3H, या अपन ये बोलते हैं HSO3 ग्रुप क्या होता है कि इसकी अल्फा पोजीशन पर ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया अपन ने, प्रीडीन प्रीडीन व सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर अभिक्रिया कर फ्यूरेन 2-सल्फोनिक एसिड, एसिड बनाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये फ्यूरोन सॉरी फ्यूरेन SO3, प्रीडीन का फॉर्मूला क्या है, C6 सॉरी C5 C5H5N, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसकी अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, SO3H ग्रुप यानी कि सल्फोनिक एसिड बन जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो नेक्स्ट क्या आती है कि फ्यूरेन की क्या होती है कि जो हेलोजन के साथ क्रिया कराते हैं, फ्यूरेन की क्या है कि यानी कि अपन ये कहें कि इसका हेलोजिनेशन कराएं तो क्या होता है कि जो उत्पाद बनते हैं वो क्या होते हैं कि उनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बहुलीकरण हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अपने को जो इच्छित उत्पाद है वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ब्रोमीनीकरण कराते हैं, अपने ब्रोमिनेशन कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्रोमीन के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि -I इफेक्ट का क्या होता है कि ज़्यादा प्रभाव होता है। तो उस रीजन से क्या होता है कि जो डेरिवेटिव बनता है तो उसमें क्या होता है, कि जो डेरिवेटिव सॉरी इसके क्या बनेंगे, डेरिवेटिव्स बनेंगे जिसमें क्या है फ्यूरोइक अम्ल बनेगा, और फ्यूरोइक अम्ल का क्या है कि ब्रोमीनीकरण कराने पर फिर क्या कराएंगे उसका वी कार्बोक्सिलेशन यानी कि वी डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं। तो कराने पर अपने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर फ्यूरेन के हेलोजन डेरिवेटिव अपने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर अपने ब्रोमीन ले रहे हैं तो 2 ब्रोमो फ्रॉम फ्यूरेन का निर्माण होगा। क्या बताया अपन ने यहाँ पर, जो इसका थर्ड पार्ट आता है ये था अपना सेकंड, और ये क्या आएगा इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थर्ड पार्ट, इसमें क्या कराते हैं, फ्यूरेन हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है, हेलो एसिड या हेलोजन एसिड, बनाता है जो बहुलीकरण
यानी कि पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बहुलीकरण के कारण, बहुलीकरण होने के कारण जिनका बहुलीकरण होने के कारण इच्छित उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है तो इसके लिए अब क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या है, जैसे हम इसका ब्रोमीनीकरण करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अतः ब्रोमीनेशन के लिए, जैसे आप क्या करें, एग्जांपल क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ब्रोमीनीकरण के लिए हम के लिए इसके त्रिउ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई प्रभाव वाले समूह वाले ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप युक्त फ्यूरोइक अम्ल फ्यूरोइक एसिड का ब्रोमिनेशन कराकर फिर क्या कराते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन विकार्बोक्सिलीकरण डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अपने को इच्छित उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अभिक्रिया क्या हो जाएगी यहां पर, अभिक्रिया में आप इसमें क्या लेंगे कि फ्यूरेन के डेरिवेटिव्स, वो क्या यहां पर फ्यूरोइक एसिड COH, ये फ्यूरोइक एसिड लिया, इस फ्यूरोइक एसिड का क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे यानी कि ब्रोमिनीकरण कराएंगे, ब्रोमिनीकरण कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक यौग उत्पाद मिलेगा Br, और यहाँ पर क्या ग्रुप रहेगा COOH ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या कराएंगे कि इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा, क्विनोलिन या कॉपर डस्ट कॉपर चून, या क्या होगा कि कॉपर चून के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CO2 बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, 2-bromofurin का निर्माण हो जाएगा, 2-bromofurin। ठीक है, 2-bromofurin बन जाएगा। इसी तरह से यदि क्या है कि इसके क्लोरीनीकरण कराते हैं और वो कितने टेम्परेचर पर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जाता है, तो क्या होता है कि मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, 2,5-डाइक्लोरोफ्यूरेन का निर्माण होगा। क्या होता है कि यदि क्लोरीन के साथ यदि क्लोरीन के साथ
अभिक्रिया माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट मुख्य उत्पाद के रूप में 2,5-डाइक्लोरो फ्यूरिन ठीक है। अभिक्रिया क्या हो जाएगी यहां पर, ये फ्यूरेन ठीक है, फ्यूरेन के साथ अब क्या कराएंगे इसका क्लोरीनेशन क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कराएंगे ठीक है। और टेम्परेचर क्या रहेगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी दोनों अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन ऐड हो जाएगी ठीक है। क्या बन गया 2,5-डाइक्लोरो क्लोरो फ्यूरिन का निर्माण हो जाता है ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वह आती है गाटरमान कोच रिएक्शन ठीक है। गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या करते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करते हैं कि फ्यूरेन की अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनेगा, फ्यूरेल बनेगा यानी कि इसका एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा। या इसी तरह से क्या होता है कि अगर क्या कराते हैं अमोनिया के साथ फ्यूरेन को हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या बनेगा हाइड्रोफ्यूरेमाइड का निर्माण होगा ठीक है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।